इस लेक्चर में क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाए। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल का एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, उस स्ट्रक्चरल यूनिट को यूनिट सेल कहा जाता है और ये यूनिट सेल थ्री डायमेंशंस में नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होके क्रिस्टल जनरेट करता है। Here are 7 crystal systems on the basis of unit cell. ये unit cell की diagram है। इस तरह के unit cells 3 dimensions में repeat होके crystals की formation करते हैं। Cell dimensions या फिर cell parameters. A unit cell is described by length of its edges or axis A, B, C and angles between the edges alpha, beta, gamma. The combination of edges and angles is called cell dimensions. ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में एजेस या एक्सिस को हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से इन एजेस के दरमियान में बनने वाले एंगल्स को अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पे ये जो लाइन यहाँ पे नजर आ रही है, इसको हम ए रिप्रेजेंट कर दें, इस लाइन को बी से रिप्रेजेंट कर दें, इस लाइन को सी से रिप्रेजेंट कर दें। एक्सिस ए के ऑपोजिट एंगल अल्फा एंगल होगा, एक्सिस बी के ऑपोजिट एंगल बीटा एंगल होगा, एक्सिस सी के ऑपोजिट एंगल गामा एंगल होगा। तो इस तरह से हम इसको लेबल कर सकते हैं कि एक यूनिट सेल में 3 टाइप के एक्सिस या एजेस होंगे ए बी सी और इनके दरमियान में बनने वाले एंगल्स अल्फा बीटा गामा। ये याद रखना जरूरी है। साइड ए के ऑपोजिट एंगल अल्फा, साइड बी के ऑपोजिट एंगल बीटा, साइड सी के ऑपोजिट एंगल गामा रिप्रेजेंट करना जरूरी है। क्रिस्टल सिस्टम्स के नेम याद रखने के लिए अगर हम ये सी टॉम एच आर टी याद रख लें। अब ये जो सी है, इस सी से जो क्रिस्टल सिस्टम का नेम बनता है क्यूबिक। इसी तरह से इस टी से क्रिस्टल सिस्टम का जो नेम बनता है टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल, आर से रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल, टी से ट्राइक्लिनिक एक्सिस। क्यूबिक सिस्टम के लिए ए बी सी ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। टेट्रागोनल सिस्टम के लिए ए और बी बराबर होंगे मगर सी अनइक्वल होगा। इसी तरह से ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के लिए ए बी सी ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से अनइक्वल होंगे। अब जो अगले हमारे क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, इनके एक्सिस लिखने के लिए इस सीक्वेंस को हम रिवर्स कर दें। तो मोनोक्लिनिक सिस्टम के लिए जो एक्सिस बनेंगे वो ए बी सी ये तीनों अनइक्वल होंगे। हेक्सागोनल के लिए जो एक्सिस बनेंगे वो ये वाले बनेंगे और इसी तरह से रोम्बोहेड्रल के लिए जो एक्सिस बनेंगे वो ए बी सी इक्वल। ट्राइक्लिनिक के लिए फिर हमने इसी सिस्टम को रिपीट करना है। ट्राइक्लिनिक के लिए ए बी सी तीनों अनइक्वल। इस सीक्वेंस में क्रिस्टल सिस्टम्स को याद रखने से एक्सिस को याद रखना आसान हो जाए कि पहले सिस्टम में ए बी सी तीनों इक्वल है, दूसरे सिस्टम में सी अनइक्वल है, तीसरे सिस्टम में ये तीनों ही अनइक्वल और यही सीक्वेंस रिपीट हो रही है रिवर्स डायरेक्शन। एंगल्स 7 क्रिस्टल सिस्टम में 4 एंगल्स ऐसे हैं जो कि इक्वल होंगे। उन 4 में से 3 90 के बराबर हैं और एक जो है वो 90 के बराबर नहीं है। अब ये ट्राइक्लिनिक सिस्टम के लिए जो एंगल्स हैं ये तीनों अनइक्वल है। इस तरह के कोई भी एंगल पूरे सिस्टम में मौजूद नहीं है। ए बी सी ये तीनों अनइक्वल, अल्फा बीटा गामा ये भी अनइक्वल। अब ये जो 2 बचे हैं हमारे पास, मोनोक्लिनिक सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में भी एक यूनिक एंगल है, गामा इज इक्वल 120 डिग्री। गामा इज इक्वल 120 डिग्री और किसी भी सिस्टम में नहीं है। क्यूबिक सिस्टम में तीनों एक्सिस और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं और इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर लें, इसका बिल्कुल उलट कर लें ट्राइक्लिनिक सिस्टम के लिए कि तीनों एक्सिस अनइक्वल होंगे और तीनों एंगल्स भी अनइक्वल होंगे। क्यूबिक सिस्टम और ट्राइक्लिनिक सिस्टम एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्रिस्टल सिस्टम्स के नेम में 2 क्रिस्टल सिस्टम ऐसे जिनके एक्सिस इक्वल है, क्यूबिक सिस्टम और रोम्बोहेड्रल सिस्टम। नेक्स्ट जो याद रखने के लिए है एक्सिस, याद रखने के लिए टेट्रागोनल सिस्टम और हेक्सागोनल सिस्टम। ए और बी बराबर होते हैं, सी अनइक्वल होता है। नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। इन तीनों सिस्टम में एक्सिस अनइक्वल होते हैं। एक्सिस याद रखने के लिए तो आखिर में आ रहा है आईसी। क्यूबिक के अलावा, क्यूबिक सिस्टम के अलावा, क्यूबिक सिस्टम के अलावा किसी भी सिस्टम में आईसी आए तो ए बी सी अनइक्वल हो गए। तो एमसीक्यूज के लिए ये याद रखना कि नाम देख के हम फौरन पहचान लें या ऑप्शंस को माइनस कर दें, इस तरह से याद रखना जरूरी होगा। एक्सिस याद रखने के लिए एक और मेथड है हमारे पास, जैसे कि हमने सीक्वेंस में इन नेम्स को याद रखा है सी डॉम एच आर टी, अगर हम इनको नंबर्स दे दें 1 2 3 4 5 6 7 तो हम एक्सिस याद रखने के लिए काम कर सकते हैं ए इज इक्वल बी इज इक्वल सी। लास्ट वाले को कैंसिल करके सी, 3 एक्सिस हमने लिख दिए 1 2 3, रिवर्स चलेंगे 4 5 6, फिर रिवर्स चलेंगे 7। क्रिस्टल सिस्टम 1 6 क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल, इनके एक्सिस सेम हो। इसी तरह से क्रिस्टल सिस्टम 2 5, 2 मतलब टेट्रागोनल, 5 मतलब हेक्सागोनल, इनके एक्सिस ए और बी बराबर होते हैं, सी अनइक्वल होता है। इसी तरह से क्रिस्टल सिस्टम 3 4 7, 3 मतलब ऑर्थोरोम्बिक, 4 मतलब मोनोक्लिनिक और 7 मतलब ट्राइक्लिनिक। ए बी सी तीनों अनइक्वल। अब हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में पूछे गए। क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 18 इन अ ट्राइगोनल सिस्टम। ट्राइगोनल सिस्टम की सारी डायमेंशंस पूछी जा रही हैं। ट्राइगोनल सिस्टम का मतलब रोम्बोहेड्रल सिस्टम, तो ट्राइगोनल सिस्टम की सारी डायमेंशंस को टिक मार्क करने से पहले तो ये ऑप्शन हमें नजर आ रहा है गामा 120, यहाँ पे गामा 120 डिग्री है, गामा 120 डिग्री हेक्सागोनल सिस्टम में होता है, तो ये ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया। इसी तरह से अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90 ये शुरू के 3 सिस्टम में होता है, जबकि ट्राइगोनल सिस्टम रोम्बोहेड्रल सिस्टम को ट्राइगोनल सिस्टम भी हम कहते हैं, तो ये शुरू के 3 में नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हुआ, ये ऑप्शन भी कैंसिल हुआ। जो ऑप्शन बचा है हमारे पास वो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, ये सेल डायमेंशंस गिवन है ए बी सी, ये तीनों अनइक्वल है, अल्फा बीटा गामा ये सब भी अनइक्वल है। देन द क्रिस्टल सिस्टम इज व्हाट, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक सिस्टम को याद रखा था किस तरह से कि एक्सेस और एंगल दोनों ही अनइक्वल होते हैं, तो इसको तो हम डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि ये ट्राइक्लिनिक सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 20, इस सेल डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है एक्सेस और एंगल्स, और ये पूछ रहा है कि इन सेल डायमेंशन से रिलेटेड कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर है, इन 3 क्रिस्टल सिस्टम में अल्फा बीटा गामा 90 होता है, और इस पहले सिस्टम के लिए हमने याद रखा था कि a इज इक्वल बी इज इक्वल सी, और दूसरे सिस्टम के लिए, तीसरे सिस्टम के लिए इस एंगल से हमने ये पहचाना कि ये जो भी क्रिस्टल सिस्टम है ये शुरू वाले 3 क्रिस्टल सिस्टम में से कोई एक सिस्टम है। फिर हमने इस एक्सिस को देख के पहचान लिया ये टेट्रागोनल सिस्टम है, ए और बी इक्वल होते हैं, सी अनइक्वल होते हैं, तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है टेट्रागोनल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22, सेल डायमेंशंस गिवन है और पूछ रहा है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। अब यहाँ पे सबसे पहले एंगल्स पे हम गौर कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर है, अल्फा बीटा गामा 90 शुरू के 3 क्रिस्टल सिस्टम में होगा सी डी ओ, और ए बी सी ये तीनों इक्वल हैं, तो ए बी सी तीनों जो इक्वल होंगे वो क्यूबिक सिस्टम में होंगे, तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 23, द यूनिट सेल हैविंग डायमेंशंस, ये डायमेंशंस गिवन है, और ये पूछ रहा है कि ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसकी ये सेल डायमेंशंस हो। 7 क्रिस्टल सिस्टम में सबसे यूनिक क्रिस्टल सिस्टम हेक्सागोनल जिसका गामा 120 डिग्री होता है, तो इस एंगल से हम इसको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सेल डायमेंशन गिवन है ए बी सी ये तीनों अनइक्वल हैं, अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर है, और हमसे पूछ रहा है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा। सेल डायमेंशन के जो एंगल्स हैं इन एंगल्स को देख के हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो भी क्रिस्टल सिस्टम है ये शुरू के तीन में से कोई एक है। सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोपिक। तो ये जो क्रिस्टल सिस्टम है ये ऑर्थोरोपिक सिस्टम है क्योंकि अल्फा बीटा गामा 90 इन तीनों का है। ऑर्थोरोपिक के तीनों एक्सिस अनइक्वल है, तो यहाँ पे जो एक्सिस गिवन है वो तीनों अनइक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये इन चार ऑप्शन में से ऑर्थोरोपिक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 सेल डायमेंशन गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा। क्यूबिक के अलावा किसी भी सिस्टम में अगर आईसी आ रहा हो तो उसके एक्सिस अनइक्वल होते हैं। इस बेस पे हम ये ऑप्शन कैंसिल कर सकते हैं और ये ऑप्शन भी हम कैंसिल कर सकते हैं। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में अल्फा बीटा गामा और ए बी सी तीनों अनइक्वल होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन गिवन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमने इस बेस पे कैंसिल कर दिया। अब जो ऑप्शन हमारे पास बचा है मोनोक्लिनिक, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 the number of crystal systems on the basis of unit cell is। unit cell की बेस पे crystal systems 7 crystal systems होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 7।